कैसे हो आप सब दोस्तों। मेरा कई दिन से वीडियो नहीं आ रहा है एंड क्यों नहीं आ रहा है तो पहले मैं बता दूँ क्या बनाओ यार। कोई बात नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एंड फिर से मेरा वीडियो नहीं आया, 2-3 दिन हो गए हैं वीडियो अपलोड नहीं किया। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि अभी तक मैं लखनऊ में थी, आप लोग को पता है, जैसा कि 1 साल से। बट अब मैं आ गई हूँ अपने घर जैस, और ये रही वो जैस की छत। बहुत दिन बाद मिस कर रही थी मैं उसको, और पागल की तरह नाच भी रही हूँ। तो मैं 1 साल बाद अपने घर आ गई हूँ, एंड घर आते ही मेरी ड्यूटी किचन में लग गई है। और किचन में इसलिए लग गई क्योंकि मम्मी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, वो दिल्ली में है, तो दिल्ली से अभी बुलाना किसी को सेफ नहीं है। ना फैमिली मेम्बर्स जो यहाँ पर उनके लिए सेफ है, ना फैमिली मेम्बर यहाँ पर ना फैमिली मेम्बर जो यहाँ पर हैं उनके लिए सेफ़ है, ना ही मम्मी के लिए सेफ़ है ट्रैवल करना, तो उनको नहीं बुला रहे हैं। तो अभी मम्मी को पता नहीं कि कब आएंगी। एंड यहाँ पे ताई जी थी, वो चली गई हैं रावरेली। तो मैं यहाँ पे अकेली हूँ, तो मुझे किचन का थोड़ा सा काम संभालना पड़ रहा है। थोड़ा सा ही काम मैं बोलूँगी तो संभालना पड़ रहा है, जिसकी वजह से भी मैं वीडियो नहीं बना पा रही। एंड दूसरी वजह ये थी कि मेरी हेल्थ फिर से वीक होगी। आप जैसे पता है कई दिनों से मेरी हेल्थ है वो वीक पे वीक होती जा रही है, बट अपना ख्याल रख रही हूँ और आप लोग के प्यार से मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। हल्का सा गले में खराश है बट वो ठीक हो जाएगी। तो आज मैं पहला वीडियो शूट करने वाली हूँ अपने किचन में। आज मैं शाम की चाय का टाइम हो गया, तो शाम की चाय के साथ मैं सोच रही हूँ लाई को फ्राई कर लूँ, नमकीन उसकी तैयार कर लूँ। तो मैं कैसे नमकीन तैयार करती हूँ, लाई को फ्राई करती हूँ, तो उसका छोटा सा वीडियो शेयर करूँगी विद चाय। तो चलो देखते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। एंड लुक, ये मेरा जायस है यार, क्या बताऊँ, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना ली है सबने बगल में, तो लुक दिखता नहीं। एक्चुअली वहाँ पर काफ़ी ऊंचा सा है बना हुआ है, ऊंचा सा बना हुआ है मतलब वहाँ पे पहले थी, वहाँ पर क्या थी वहाँ पे एक छावनी थी कहते थे, मुझे नहीं पता कहाँ के राजा की एक छावनी थी। तो छावनी जो है वो तो ख़त्म हो गई है, तो वहाँ से मिट्टी से वो ढक गया है, तो एक पहाड़ सा बन गया है जिसे हम उचवा बोलते हैं। तो उस पर बहुत सारे घर ऊपर नीचे बने हुए हैं, तो देखने में बड़ा अच्छा लगता है। और पहले ये घर बना हुआ नहीं था बगल वाला, पर ये मुझसे भी ऊँचे, हमारे घर से ऊँचा इन्होंने बनवा लिया, जिसकी वजह से नहीं दिखता है। बट मैं कोशिश करूँगी आपको वो सीन दिखाने के लिए। एंड पीछे शाम का टाइम है एंड सूरज चाचा जा रहे हैं अपने घर, नीनी घर ने, एंड चंदा मामा आ गए होंगे। चंदा मामा नहीं आए अभी, तो चंदा मामा आ गए होंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा है छत पर, तो चलो क्या करते हैं, रेसिपी देखते हैं। मैं क्या कर रही हूँ यार, चलो रेसिपी देखते हैं। तो चलो दोस्तों ये रेसिपी तैयार करते हैं। इसके लिए एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच हमने सरसों का तेल ले लिया है, और 100 ग्राम लगभग मूंगफली ले ली है। हमें मूंगफली को फ्राई करना है, तो तेल को हल्का हीट हो जाने दीजिए। हीट हो जाने के बाद हम अपने मूंगफली जो है वो ऑयल में डाल देंगे और 3 से 4 मिनट तक इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए गैस की जो आँच है वो हमें धीमी ही रखनी है, क्योंकि अगर तेज़ करेंगे तो मूँगफली के दाने जो हैं वो जल जाते हैं और उनमें कड़वाहट आ जाती है। तो हल्की आँच में इसे फ्राई करना है। जब हम फ्राई करते हैं तो चट चट यानी चुटकने की आवाज़ आती है मूंगफली के। तो जब आपको लगे कि मूंगफली फ्राई हो चुकी है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इस बात का ख्याल रखना है, फ्राई हो चुकी है तो इससे आपको बाहर निकाल लेना है। उसके बाद क्या करना है, आपको लेना है जीरा, जी हाँ जीरा लेना है, करी का पत्ता लेना है, और मिर्ची। आप, मैंने इसे लंबी लंबी मिर्चियाँ काट ली है, हरी मिर्च आप चाहो तो अपने मनपसंद शेप में इसे काट सकते हो। और इन सबको हम कढ़ाई में डालेंगे, साथ ही हम आधी चम्मच हल्दी भी इसमें ऐड कर देंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहो डालो चाहे ना डालो, ठीक है। हल्दी डालेंगे और कुछ सेकंड तक हम लोग इसे फ्राई करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर लगभग 1/2 किलो लाई ली है, यानी इसे बहुत सारी जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है, हमारे यहाँ इसे लाई कहते हैं। ये चावल से बनता है, काफ़ी फेमस है, बहुत सारी भेलपूड़ी मेनली इसी से बनता है। तो हमने इसमें लाई ऐड कर लिया, उसे अच्छे से हम फ्राई करेंगे। अब इस लाई में ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अनुसार यानी स्वादानुसार नमक ऐड करना है आपको, और इसमें ऐड करने वाले हैं लाल मिर्च। मैं थोड़ी सी लाल मिर्च डालूंगी क्योंकि हमने हरी मिर्च डाल दी थी, और ऐड करने वाली हूँ भुना हुआ जीरा एंड थोड़ी सी आधी चम्मच खटाई ऐड करेंगे। सारे मसाले आप अपने स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हैं। दोस्तों लाई को हमेशा धीमी आँच में फ्राई करना है,
ठीक है, वरना लाई बहुत हल्की है, जल जाती है। और हाँ दोस्तों, इसे बीच बीच में चलाते रहें, या फिर ऐसा नहीं कि आप एक मसाला डाल दिया है आपने और फिर दूसरा मसाला आप ढूंढने लगे और लाई को भूल जाएंगे। अगर आप लाई को गैस पे भूल जाएंगे तो नीचे से जल सकती है। तो बीच बीच में आपको मौका मिलता रहे, आप इसे चलाते रहो, ठीक है। तो अब आप इस लाई में कोई भी अपनी मनपसंद नमकीन ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने मोटे वाले ना बेसन के सेव ऐड किए हैं, आपके पास जो भी नमकीन है वो ऐड कर सकते हो, लेकिन मोटी नमकीन ऐड करोगे ना तो इसका स्वाद और भी अच्छा आएगा। दोस्तों फ्राई लाई बन के तैयार है, बहुत ही टेस्टी बनी है। और बगल में मैंने चाय भी बनने को रख दिया है, क्योंकि शाम का टाइम है, गरम गरम लाई के साथ चाय पीने का मज़ा ही अलग है। लेकिन ये लाई आप स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है, शाम के नाश्ते में या हल्की फुल्की जब भी हमें भूख लगती है तो चाय के साथ इसे खाइए, या ऐसे भी खाइए तो सबको पसंद आती है, घर में बच्चों से लेके बड़े सबको पसंद आती है। तो दोस्तों इससे ज़रूर ट्राई करना। आई होप आपने इस जो रेसिपी है इसको कभी बनाया होगा, थोड़ा अंदाज़ अलग होगा तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मेरी चाय लगभग बनके तैयार हो गई, अब हम आपको दिखाते हैं जैस का व्यू और थोड़ा सा अपना जो वर्क प्लेस है जैस, उसके बारे में कुछ बातें करते हैं। तो चलो आगे का हम लोग ब्लॉग वीडियो देखते हैं। हे गाइस, ये है मेरे जैस का व्यू जो हो गया है एकदम बंद। एक्चुअली ये जो घर नहीं था पहले, तो यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा दिखता था, बट क्या है ना, बगल वाले ने बिल्डिंग खड़ी कर ली अपनी, तो जैस का व्यू थोड़ा सा कम हो गया। एंड यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। एक्चुअली वो जो आप देख रहे हो ऊपर नीचे घर बना हुआ है, पे दिख नहीं रहा है, कोशिश करती हूँ। तो जो ऊपर नीचे घर बना हुआ है उसे हम लोग बोलते हैं उचवा। चलो दूसरी छत से दिखाने की कोशिश करती हूँ। हाँ जी, यहाँ से दिखाने की कोशिश करती हूँ। आप देख रहे हो ऊपर नीचे जो घर बना है इसे कहते हैं उचवा। एक्चुअली वहाँ पर बोलते हैं कि वहाँ पर शायद डलमऊ के राजा की छावनी थी, मुझे एक कंफर्म नहीं हो पाया अभी तक। तो डलमऊ के राजा की छावनी थी, तो वो छावनी जो था वो गिर गई है, ठीक है, और उसके ऊपर मिट्टी है वो जम गई, जिसके वजह से वो एक पहाड़ में कन्वर्ट हो गया। तो वहाँ पर जो घर है वो काफ़ी ऊँचे नीचे बना है, तो वो है उचवा, जैस का फेमस उचवा। एंड हमारे घर से बहुत अच्छा दिखता था पहले, तो बहुत अच्छा दिखता था, क्योंकि अब तो बहुत सारे घर या ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बन गई हैं, जिसके वजह से अब वो सीन दिखते ही नहीं है। बट मैं वहाँ पे गई हूँ, 5 से 6 बार वहाँ पे गई हूँ जब काम पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर जो मार्केट है वो नीचे की तरफ है, हम लोग नीचे रहते हैं, उचवा है ये नीचे की तरफ है, तो मार्केट इधर ही है, तो सारा सामान हमें इधर ही मिल जाता है। तो नहीं, हाँ टेलर वगैरह उधर थे तो मैं वहाँ पर जाती थी, बट अभी मैं ऊपर नहीं जा रही हूँ, और आजकल वैसे भी कहीं आना जाना बंद है। एंड उचवा जो है वो जैस के बीच में है, और आसपास अगल बगल भी जायस है। तो ये है जायस जहाँ की मैं रहने वाली हूँ, ये मेरी बर्थ प्लेस है। यहाँ में मैंने इतनी छोटी सी केजी नर्सरी से पढ़ाई करके मैं इंटर तक की पढ़ाई यहाँ कंप्लीट की, उसके बाद मैं रावदेली चली गई, मैंने फिरोज़ गांधी से अपना बीए कंप्लीट किया, एमए कंप्लीट किया, एंड बीएड भी मैंने फिरोज़ गांधी से कंप्लीट किया। और उसके बाद मैंने यहाँ पे 6 साल शॉप भी की है, एंड शॉप का वीडियो मैंने पहले ही शेयर किया है। हेलो इतने दिन बाद आया ना, सब लोग मुझे देख रहे हैं, सब मतलब ये कहाँ से आ गई लड़की लॉकडाउन में। वैसे भी तो वो हमारे ये जो घर है हमारे फैमिली के ही घर है, मतलब बाबा के भाई, चाचा मतलब बाबा, पता हमारे बाबू हैं, मतलब हमारे दादाजी हैं, उनके दादाजी की फैमिली है, क्योंकि मेरे दादाजी अकेले थे तो उनके 4 चाचा थे, तो वो उनकी सारी फैमिली है, फैमिली ही बोली जाती है। तो है वीडियो बना लो फिर करती हूँ बात, तो सारी फैमिली ही है, तो ये सब उन्हीं के घर है, तो सब लोग देख रहे हैं हाय श्रुति आ गई। एंड आई होप आपको ये मेरी बातें अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी होगी तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना, कोई मन में सवाल है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछ लेना। और हाँ दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में जरूर शेयर करना मेरे साथ कि आप कहाँ के रहने वाले हो, वीडियो कैसा लगा, और मेरे जैस में आप कभी आए हो, जहाँ से आपका कोई रिलेशन है आपका, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड विकिपीडिया में भी जैस के बारे में सर्च कर सकते हो, आपने शायद आप हिंदी मीडियम में होंगे तो आपने मलिक मोहम्मद जैसी का नाम सुना होगा, तो बहुत बड़े हिंदी के कवि हैं वो, उन्हीं के नाम पर यहाँ का नाम जैस पड़ा है। तो विकिपीडिया में आपने आप चाहो तो जैस के बारे में पढ़ सकते हो। तो ये है हमारा जैस, जिसके बारे में थोड़ी सी बातें मैंने आप लोग के साथ शेयर की। तो आप भी बताना कि आप कहाँ से हो, आपका बर्थ प्लेस क्या है, एंड आप ये जो मैंने रेसिपी शेयर की उस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना,
और आपके घर में सभी को पसंद आएगा, बच्चों को भी पसंद आएगा, बड़ों को भी पसंद आएगा, और शाम के नाश्ते में ये बहुत सुपर होता है, हेल्दी भी होता है, तो आप ज़रूर इसे ट्राई करना है। चाय कंप्लीट करके सबको चाय नाश्ता करा के मैं आ गई हूँ छत पर, थोड़ी सी छत पर हल्की हल्की ठंडी हवा का मज़ा ले रहे हैं। एंड अब कोशिश करूँगी कि रेगुलर आप लोग के लिए वीडियो डालो, क्योंकि मेरा मन होता है कि ना गैप करके ना डालूं, बट क्या करूं, गैप हो ही जाता है, पर रेगुलर डालने की कोशिश करूंगी मैं। हो सकता है कि किचन के वीडियो आए, हो सकता है कि ब्यूटी के आए, हो सकता है कि हेल्थ आए, हो सकता है कि ब्लॉग आए, तो हो सकता है कि आपकी किसी फरमाइश पे एक वीडियो आ जाए। तो अगर आपके मन में कोई भी टॉपिक चल रहा है कि उस टॉपिक पे मैं आप लोग के साथ वीडियो शेयर करूं, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं ज़रूर उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। और हाँ दोस्तों, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, ट्राई करने के बाद अपनी फैमिली के साथ मिलकर चाय नाश्ते का मज़ा लेना, एंड मज़ा लेने के बाद आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, और पहली बार चैनल पे आए हो तो आपको क्या करना है, नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे टिन से दबा देना है, बगल में घंटी बजा देना है, घंटी के साथ आता है ऑल का बटन, उसे भी क्लिक कर देना, ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। एंड दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।